जब ना अपन लोग सोने जाते हैं ना, तब ना भाई अपन लोग एक जुआ खेलते हैं, एक ना मतलब गैम्बलिंग होती है भी, नींद आएगी नहीं आएगी, अगर नींद आके जब उठेंगे तब फ्रेश उठेंगे या नहीं उठेंगे। आज ना जब मैं सुबह उठा ना भाई, इतने गंदे झटके से उठा, इतने ज़्यादा गंदे झटके से, मतलब कहने की हद नहीं। मतलब एक तो मैं पता नहीं सपने में क्या देख रहा, इंस्टाग्राम से रिलेटेड कुछ, जैसे कि मैं किसी को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहा हूँ फॉलो कर रहा, बड़ा अजीब सा सीन था। उसी टाइम ही पप्पा आते हैं, उदय उठ जा, मतलब थोड़ी हाई पिच वॉइस में पप्पा आते हैं, उदय उठ जा, और आज अपन लोगों ने अभी शॉप पे जाना है, फर्नीचर वगैरह का काम करना है, पुराने ऑफिस से नवे ऑफिस से शिफ्ट, पुराने ऑफिस से नवे ऑफिस में शिफ्ट करना है। भाई मैं फट गई, मैं अचानक से ऐसा गंदा जंप स्केयर हुआ, ऐसा गंदा कहने की हद नहीं भाई, मतलब रूह कांप गई। फिर पप्पा ने मेरे सर पर हाथ रखा, भी शांत हो जा, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। बट एनीवेज, सो हे गाइस, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, वेलकम है आपका एक बार फिर से मेरी दुनिया में। होप यू ऑल आर डूइंग कल्चर बहुत 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 ही ज़्यादा बढ़िया। अब भाई इस जंप स्केयर ने तो डरा दिया मेरे को एकदम नेक्स्ट लेवल। बट बढ़िया बात ये होगी, अपन लोग भाई सुबह सुबह 8 बजे उठ चुके हैं, 9 बजे करीब अपन लोगों ने ऑफिस जाना है, जिसमें से अपन लोगों का PC भी तैयार हो चुका है, वो भी कीबोर्ड वगैरह वो सब कुछ लेके जाना है, सोफा कम बेड वगैरह वो सब कुछ A to Z, छोटी से छोटी हर एक चीज़ देखनी पड़ेगी। सो भाई वो काम भी निपटाना है अपन लोगों ने, एंड रेडी वाले भैया भी आएंगे, तो भाई अब वो सारा सिस्टमेटिकली करना पड़ेगा। अब तो खैर पापा थोड़ा सा अपना ही काम निपटा रहे हैं, जैसे ही वो फ्री होते उसके बाद पापा से पूछूंगा कि भाई क्या चाल होनी है, कैसे क्या होना है, क्योंकि भाई बहुत हेक्टिक है आज का शेड्यूल, हद से ज़्यादा हेक्टिक है, हद से मतलब नेक्स्ट लेवल ही हेक्टिक समझ लो तुम लोग। सो अभी जो है अपन लोगों का अपना आज का शॉप पे पहले चक्कर की तो तैयारी शुरू हो चुकी है। अभी तो अपन लोग सिर्फ पानी की बोतलें वगैरह और वो सब कुछ लेके जा रहे हैं जो पहला सामान होना चाहिए, एंड फिर उसके बाद अभी थोड़ी देर में रेडी वाले भैया भी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, वो ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर उसके बाद वो आएंगे, फिर घर से जड़ा सामान जाना है वो जाएगा, पुराने ऑफिस से जड़ा सामान जाना है वो जाएगा, मतलब सारा काम होएगा। बट भाई धीरे 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 करके A to Z बढ़िया तरीके से सारा काम होगा। मतलब अभी तक आधा सामान तो आ चुका है, जेड़ जेड़ पर लोगों के घर से आना था, ये अपना स्टडी टेबल, ये दोनों सोफाज, ये कुर्सियाँ, एक बाकी का सामान लेने पप्पा और रेडी वाले भैया गए हैं, एंड भाई मतलब कसम से बता रहा हूँ अब जाके धीरे धीरे इकट्ठा लुक हो रही है। अभी तो सब 4 लाइटें लगी हैं, कल इलेक्ट्रिशियन भैया आके पंखे भी लगवाएंगे और बाकी की लाइटें भी लगाएंगे भाई, एंड अभी तो PC भी लेके आना है, यहाँ के लिए लैपटॉप मेरे पास एक और एक्स्ट्रा पड़ा है, मतलब घर वाले से अलग, वो भी लेके आना भाई, कीबोर्ड माउस वगैरह भी तो सब कुछ आना, अभी तो बहुत सारा काम है। बट अभी बस रेडी वाले भैया आ जाए, फिर बाकी का सामान गए, फिर उस हिसाब से सेटिंग देखते हैं कि किस हिसाब से बैठेगी। सिर्फ और सिर्फ 40% कंप्लीट हुआ है, 60% अभी भी पेंडिंग है। बट भाई उस 40% में जो रूह निकली है, जो रूह निकली है वो भाई मतलब लाइट नहीं है ना, लाइट तो मजा आ गया था कसम से। अभी तो मन करे कि दोबारा से आओ, बट अभी अपन लोगों ने अपना पुराना लैपटॉप भी कलेक्ट करना है, वो भी वहां पे रखना है, एंड फिर 2-3 छोटे मोटे और काम है वो भी करने हैं। बट सबसे पहले अपन लोग एटलीस्ट वहां पे सिटिंग जो गए तो हो गए। अभी तो खैर अपन लोग घर वापस आ चुके हैं ब्रेकफास्ट वगैरह करने के लिए, फ्रेशन अप हो गया, अब आराम से 3-3:30 बजे करीब शाम में, पैर साफ करके मतलब आराम से 3-3:30 के करीब शाम में जाएंगे, शाम में जाके सारे जो भी पेंडिंग काम है वो करेंगे, फिर कल पंखे और लाइटें भी बाकी की लग जाएंगी भाई। अभी तो पहले अच्छा सा शावर लेते हैं, बहुत जरूरत है, हालत देखो क्या हो रखी है।
जब इनिशियली मम्मी ने बताया था ना अभी ब्रेकफास्ट में दाल है, तब ना मैं थोड़ा सा मुंह बन गया, बट भाई जब पता चला भी इतनी प्यारी इतने प्यारे तड़के वाली दाल है भाई, ये देख के तो कोई कह सकते हैं दाल है सांभर लग रहा है। खैर अभी जो आप लोगों का ब्रेकफास्ट भी हमारे सामने आ चुका है जिसमें दाल और परौंठी, फटाफट इनको खत्म करते हैं, थोड़ी देर आराम करते हैं, फिर मम्मी और पापा ने भी कहीं जाना, आप लोग अब सीधा 4 बजे के करीब शॉप पे जाएंगे, 4 बजे तुमको अच्छा सा शॉप का टूर देंगे। जब ना अपन लोग सोने जाते हैं ना, तब ना भाई अपन लोग एक जुआ खेलते हैं, एक ना मतलब गैम्बलिंग होती है भी, नींद आएगी नहीं आएगी, अगर नींद आके जब उठेंगे तब फ्रेश उठेंगे या नहीं उठेंगे। अभी 2 घंटे पहले एक एक छोटा सा जुआ मैंने भी खेला नींद का, भाई मैं सोया भाई मतलब 2 घंटों में मेरी नींद पूरी होगी, मेरे चक्षु नेत्र खुल के मेरा तो ऐसा होगा कि भाई मेरे से ज़्यादा तो एनर्जी किसी में नहीं है। वही से टाइम देखते देखते मैं फटाफट नहाया धोया अच्छे से एकदम तैयार हुआ, एंड ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बच चुके हैं 4:30, एंड अभी का सीन कुछ इस प्रकार है, अभी अपन लोग चारों जा रहे हैं अपनी दुकान पे अपने ऑफिस, पहला दिन है थोड़ा थोड़ा आदत बनाने में टाइम भी लगेगा ही, एंड उसके साथ साथ अभी अपन लोग लैपटॉप भी लेने जा रहे हैं, सो वो दोनों मतलब लैपटॉप उठाना है एंड वो ऑफिस में रखना है, तो फटाफट चलते हैं। सबसे पहले तो चल के अपन लोग ऑफिस में स्थापना करते हैं अपने चरणों की, एंड फिर उसके बाद लैपटॉप भी उठा लेते हैं, बट सबसे पहले अपन लोगों ने ऑफिस जाना अपने। अब तो फाइनली अभी जो है अपन लोग अपने ऑफिस में तो एकदम बढ़िया तरीके से आके बैठ चुके हैं, एंड अभी मम्मी पापा के वेट कर रहे हैं अपन लोग, जैसे ही वो आते हैं, मैं और दीदी तो आके बैठ चुके हैं, जैसे ही वो आते हैं अपन लोग फटाफट चलेंगे, चल के आराम से अपना लैपटॉप भी उठा लाएंगे थोड़ी देर तक। ये देखो ये एरिया तो सारा पप्पा का है, यहाँ पे सारा पप्पा का काम हो रहेगा, एंड ये एरिया छोटा सा तुम्हारे भाई का है, यहाँ पे तुम्हारा भाई बैठा करेगा आराम से, अपना जितना भी काम होगा जिस भी चीज़ से रिलेटेड है वो सारा वहीं पे हो गया आराम से बैठा करेंगे। अभी ये जो ये वाले शेल्फ है ये टेम्परेरी है, वो शेल्फ टेम्परेरी है, वो वाला एरिया अभी थोड़ा सा कैजुअल एरिया, अभी तो लाइटें लग रही है, तो भाई बहुत काम है। अब जैसे अपन लोग आज के दिन बैठने जो भी हुए अभी, हाँ भाई अपन लोग बैठ चुके हैं आज के दिन, तो अभी जो है लैपटॉप भी अपन लोगों के पास आ चुका है जिसके अपन लोग तैयारी कर रहे हैं, अभी तो इसको चार्ज चूज कर रहे हैं, इसको अच्छे से रीस्टार्ट कर रहे हैं, मतलब इसको रीसेट ही कर रहे हैं, मतलब बिल्कुल ही नया बना रहा हूँ, क्योंकि भाई वैसे भी पता नहीं कितने टाइम से पड़ा हुआ था ये हमारे पास, भाई आज निकला है ये, अभी आराम से बढ़िया तरीके से रीसेट हो जाएगा, एंड फिर इस पर अपना अपन लोग काम शुरू अभी से ही कर देते हैं। मैं तो कह रहा हूँ अपनी पुंडी अटकेगी तो नहीं अटकेगी भाई, ये पोल था ना काफ़ी प्रोटेक्शन दे देता है इस मामले में।